हुणे हुणे पता चलिया कि फैसलाबाद दे विच कोई बम ब्लास्ट होया जिहदी वजह तों फैसलाबाद दे विच शामे गरीबां मतलब मस्जिद दे विच शामे गरीबां हो रही सीआं, महफल पाक हो रही सी, जो जो भी फैसलाबाद दे विच एक्टिविटीज़ हो रही सी ना वो सारा कुछ पुलिस की तरफों बंद कर दिता गया कि कॉल चला दी थी कि इधर कोई धमाका हुआ है। तो उतनी ही देर में जितने भी यहाँ पर डीएसपी एसएचओ थे वो मौजूद मौके पर पहुँचे और आकर उन्होंने तमाम जो है वो पहले सबसे पहले इलाका क्लियर कर जो शामे गरीबा पड़ी जानी थी उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाए और यही ऊपर से यानी जो डीसीओ की जानिब से ऑर्डर थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हुणे हुणे पता चलिया कि फैसलाबाद दे विच कोई बम ब्लास्ट होया जिहदी वजह तों फैसलाबाद दे विच शामे गरीबां मतलब मस्जिद दे विच शामे गरीबां हो रही सीआं, महफल पाक हो रही सी, जो जो भी फैसलाबाद दे विच एक्टिविटीज़ हो रही सी ना वो सारा कुछ पुलिस की तरफों बंद कर दिता गया कि अली मस्जिद जिहड़ी कि फैसलाबाद मदीना टाउन दे विच मौजूद है उत्थे कोई ब्लास्ट होया, किसी ने कोई कॉल झूठी चलाई है, लेकिन ऐसा कोई वाकया नहीं है ना कोई इदा कोई कुछ होया, क्योंकि मैं अली मस्जिद के मौजूद सगा और फिलहाल भी मैं अली मस्जिद के ही खड़ा, बल्कि अली मस्जिद के बाहर खड़ा, तुम मेरे बैक साइड पर वेख होवोगे कि अली मस्जिद जी कि अली मस्जिद इतने शामे गरीबा हो रही सी और शामे गरीबा शुरू होने तो कुछ टाइम पहले एक छोटा जहा वाकया होया, वाकया होया पंखा गिरया खवातीन की तरफ और जिंद वजह तो कोई हलचल मची और वजह तो किसी ने झूठी कॉल चलाती कि फैसलाबाद के कोई बम ब्लास्ट होया, लेकिन ऐसा क्या कोई भी नहीं होया फैसलाबाद के बिल्कुल पूरा अमन। बाकी फसी मेरे नाल है, फसी ने गलबात करके पुछदी क्योंकि फसी उत्थे गया सीगा, फसी ने अगे जाके वेख्या सीगा की मामला हो रहा है कि नहीं हो रहा, फसी को पुछदे हाँ फसी की बनया सी उत्थे गया। सबसे पहले तो किसी को घबराने की और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही शोर हुआ तो मैं फौरी बाहर आया और देखा कि जो ऊपर वाली मंजिल है बेसिकली इस मामबार का दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, नीचे वाला जो पार्ट है वो मर्दों के लिए है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो ख्वातीन के लिए। तो ख्वातीन वाला जो पोर्शन था उधर जो छत के ऊपर लगे पंखे थे उनमें से एक जो है वो गिर गया था, गिरने की वजह से ख्वातीन के अंदर भगदड़ मची और शोर की आवाज़ आई तो तमाम जितने भी आज़ादार बैठे थे फर्श अज़ा पर वो बाहर आए और देखा, लेकिन उतनी देर में किसी ने जो है वो कॉल चला दी थी कि इधर कोई धमाका हुआ है। तो उतनी ही देर में जितने भी यहाँ पर डीएसपी एसएचओ थे वो मौजूद मौके पर पहुँचे और आकर उन्होंने तमाम जो है वो पहले सबसे पहले इलाका क्लियर करवाया, यानी जितना भी वो एरिया था पार्किंग का माम बारगा का, फिर यहाँ के जो मुंतजमीन हैं उन्हें कहा गया कि हर किस्म के जो भी एक्टिविटी यहाँ पर जो शामे गरीबा पड़ी जानी थी उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाए और यही ऊपर से यानी जो डीसीओ की जानिब से ऑर्डर थे ताकि किसी भी किस्म की अगर कोई सूरत हाल हंगामी पैदा होती है तो वो बल्कि ना हो सके और जो जितनी भी सिचुएशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। अव्वल तो वैसे भी ये इख्तिताम का 10वें मुहर्रम का ये इख्तिताम था, इसके बाद मुकम्मल तौर पर वैसे भी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से तमाम बारगाहों में जलसे जुलूस को ख़त्म कर देना था। एक वो भी सिचुएशन थी कुछ ये जो है ये कॉल चलाई गई जिसकी वजह से जो है ये एक हंगामा तो क्रिएट हुआ, लेकिन ऐसी वैसी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो जनाब आपने बात सुनी फसी की भी और इस वक्त मैं भी अली मस्जिद में ही मौजूद हूँ, ऐसा कोई वाकया नहीं है, आप और अमन रहें, अपनी इबादत जारी रखें, जो जो भी इबादत कर रहे हैं जो जो कर रहे हैं अपनी इबादत जारी रखें और ऐसा कोई वाकया नहीं, पुर अमन रहें, पुर सुकून रहें और अपनी इबादत जारी रखें।